फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। माँ बेटी जा रहे हैं, अभी कुछ ज़रूरी काम है जिसके लिए मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ, और वो क्या ज़रूरी काम है मैं इस ब्लॉग में नहीं बता सकती हूँ, वो शायद आने वाले मतलब कुछ दिनों के बाद मैं बताऊँगी। आज है सैटरडे, तो सोच रही हूँ बेटी को कुछ खिला पिला देती हूँ, बाहर ऐसे तो मिलता नहीं है, और कल कैंप है तो फिर कल लेके नहीं जाएंगे कहीं से, तो बच्चा लोग को कहीं ना कभी लेके जाना चाहिए। बहुत ही मन है, मुझे लगता है एक महीना बाद में बेटी को ले जा रही हूँ, तो इसको पूछ कर अगर ज़्यादा पसंद है, अब मुझे भी पसंद है तो मैं भी खा लूँगी साथ में। कैमरा पूरा गंदा हुआ है ना बेटा, अब क्लियर आ रहा है। और मैं बेटी को लेके आई यहाँ पे साड़ी वगैरह कुछ देखने, किस काम से साड़ी लेना है, क्या प्रोग्राम है, वो सब मैं बाद में बताऊंगी, अभी कुछ नहीं बताऊंगी। बस आप लोग देखिए, मैं चाहती हूँ जो भी चीज़ मैं लूँ, जो भी चीज़ हो, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। आप लोग को ज़रूरी है आप लोग साथ कोई भी चीज़ शेयर करना। तो और मैं यहाँ पे बहुत टाइप का साड़ी देखी, आजकल मुझे लाइट कलर में साड़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं बेटी को लेके आई कुछ खिलाने के लिए, तो अचानक से मेरी यहाँ पे भाभी मिल गई, कोल, ऐसे तो हम लोग कोली बोलते हैं, छोटी है मेरे से, बट आप लोग समझाने के लिए भाभी बोलना पड़ता है, कहीं आप लोग नहीं समझेंगे इसलिए। और मैं अपने भतीजा से फर्स्ट टाइम मिली हूँ, मतलब अभी तक नहीं मिली थी, बिकॉज़ वो मायके में है इतने दिन से, तो नहीं मिल पाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगा मिल के। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम मिला तो मैं मम्मा को बार बार वो कर रहा था, पास जा रहा था, उसके बाद आके खेलने लग गया मेरे साथ, और मुझे बच्चा से बहुत ज़्यादा अटैच मिला, बहुत ज़्यादा, इतना क्यूट लग रहा, इतना क्यूट लग रहा था, मैं बता नहीं सकती हूँ। और आज हम लोग बुआ भतीजा ब्लैक पहने हैं, और मैं कहीं पे नहीं जाती हूँ, किसी घर नहीं जाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है किसी घर इतना जाना, मैं अपने ससुराल में ही ज़्यादातर रहती हूँ। हाँ, कहीं जाना रहता तो मैं अपने पतिदेव जी के साथ जाती हूँ, या फिर कहीं कुछ ख़रीदना रहता है तो फिर मैं इनके साथ ही जाती हूँ, अगर नहीं तो बेटी के साथ जाती हूँ, ये मुझे ड्रॉप कर देते हैं कि कहीं भी जाना था, गाड़ी से ड्रॉप कर देंगे, फिर वो अपने चैम्बर चले जाते हैं, तो फिर आना होता है तो मुझे पिक करने आ जाते हैं हम लोग को। तो बस उसके बाद यहाँ पे बेटी को लेके आए मशरूम खिलाने, ऐसे उसका मन था नूडल्स खाने का, बट मैं बोली कि नूडल्स तो नहीं खिलाऊंगी, अनहेल्दी होता है, तुम मशरूम खा लो। उसके बाद मैं घर आई, इनका भी आने का टाइम हो गया था चैम्बर से, तो मैं सोची इनको क्या खिलाऊंगी, तो मैं यहाँ पे चिवड़ा, जो पोहा बोलते हैं, सूजी और दही का पेस्ट, मतलब बैटर रेडी की थी, और इसमें मैं मसाला रेडी कर रही हूँ, आलू वाला जो डोसा का मसाला होता है आलू का, तो ही मैं रेडी कर रही हूँ, इसमें राई, कड़ी पत्ता, हींग, ये सब डाल के। उसके बाद ये है आपका नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मशरूम, कढ़ाई मशरूम, और ये बड़ी मैं फ्राई कर रही हूँ कढ़ी बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं बनाऊँगी कढ़ाई मशरूम, जो कि बहुत यम्मी होते हैं, जैसे कढ़ाई पनीर बनाते हैं वैसे ये कढ़ाई मशरूम है, एक आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी होता है। तो इसमें प्याज, ऐसे कैप्सिकम नहीं डालूंगी, ऐसे कैप्सिकम डाला जाता है, बट मैं इसमें कैप्सिकम नहीं डालूंगी, इनको कैप्सिकम इतना ज़्यादा पसंद नहीं, इसमें मटर इनको ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसमें सिर्फ टमाटो और प्याज कट कट के डाली हूँ, और ग्रेवी वैसे ही जैसा पनीर का होता है सेम वैसे ही ग्रेवी मैं रेडी की। उसके बाद यहाँ पर मैं कढ़ी छौंक चुकी हूँ, और बड़ी तो मैं पहले ही फ्राई कर दी, और ये जो मसाला मैं डाल रही हूँ ये मैं खुद होममेड मसाला है, जो मैं घर में रेडी करती हूँ, जीरा, अजवाइन और मिर्ची वगैरह, नमक, काला नमक वगैरह डाल के, ब्लैक सॉल्ट वगैरह डाल के मैं रेडी करती हूँ, जिससे उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद मैं बस थोड़ा बॉयल होगा उसके बाद बड़ी डाल के मैं उसको उतार दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे बना रही हूँ मैं पटल आलू का सब्जी, ड्राई सब्जी, जो ड्राई मसाला वगैरह होता है वो सब डाल के, बहुत यम्मी होता है कढ़ी बड़ी के साथ खाने में। और उसके बाद मैं बनाऊँगी जो चठैल कटा हुआ है उसका मैं भुजिया, तो यहाँ पर 3 टाइप्स का मैं सब्ज़ी रेडी कर चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं फिर आ गई मैं बेड को ठीक करने, बच्चों लोगों को भेज दी कि तुम लोग हॉल में जाओ, मैं फटाफट क्लीन वगैरह कर देती हूँ रूम, बिकॉज़ जो आंटी काम करती थी वो काम नहीं कर रही है, 1 वीक से काम छोड़ चुकी है हम लोग का, मतलब स्पेशली मेरा छोड़ चुकी है, ऊपर मैं काम कर रही है, मतलब देवरानी और जो माँ है वहाँ पर काम कर रही है। संडे और संडे को काम जिसका हाथ दस्ते रहता है, बट आज थोड़ा जल्दी हो गया, कहाँ गए, जल्दी आइए। और आज दोनों हस्बैंड वाइफ मतलब वाइट पहने हैं, ऐसा कोई वो नहीं था कि वो मैं भी वाइट पहनूंगी, जो मिल गया ऊपर वही पहन ली मैं आज। आई क्या हुआ, और गाइस आज मतलब कोई जिनको परचेज करना है तो इसलिए निकल रहे हैं, और अभी टाइम हो रहा है 6 बजने वाला है, तो 6 बजे से तो कहीं दूर जा नहीं सकते, जो भी घूमने आसपास में ही घूम सकते हैं,
रखो बस। बात कर रहे हैं माँ बेटा। देव जी पहले ही नीचे उतर चुके थे और मैं फिर वापस गई थी कुछ काम से, तो फिर मेरा लेट हो गया। तो माँ बेटे यहाँ पे कुछ कुछ बात कर रहे थे। बच्चा लोग घर पे ही हैं, बच्चा लोग को लेके नहीं है बिकॉज घूमने नहीं जा रहा। रास्ता भी चुमक रहा है गाड़ी के साथ साथ। आज फिर मतलब खोल दिए थे तो नहीं खुला था, हम खोले तो बंद था, तो दोबारा कहीं फिर से टिकना पड़ा होगा। पर गाइस कुछ कुछ पेशेंट है, क्या बोलते हैं पेशेंट लोग, बोलता है कि आपकी वाइफ बहुत ही यंग है, लगता है कि 20-21 इयर्स की है। तो हम बोले ना, 20-21 इयर्स की नहीं है, ठीक ठाक उम्र है, दो बच्चा भी है, तो लोगों को विश्वास नहीं होता। गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं सच में 21-22 इयर्स की लगती हूँ कि नहीं लगती हूँ। हाँ, मेरा शादी बहुत कम एज में हुआ था, ये मैं बता, बहुत कम एज में हुआ था। आजकल किसी का नियम जो पहले टाइम में सबका होता था ना शादी, उस एज में मेरा शादी हो गया था। और एज से पहले मतलब मैं शादी का 10 महीना ही हुआ था कि मेरी बेटी हो गई, मतलब 11 महीना भी नहीं, 10 महीना के पहले ही मेरी बेटी हो गई। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मतलब मैं कम एज की लगती हूँ क्या सच में, या फिर सब ऐसे ही बोलता है। इनको बहुत जन बोलता है, एक जन नहीं, हमेशा ये बोलते हैं आके मुझे कि तुमको सब कोई बोलता है कि इतनी कम एज की आपकी वाइफ है। बहुत जन इनका मतलब चैम्बर में बहुत पेशेंट लोग आते हैं, उन लोग भी बोलते हैं बहुत जन, जो मेरे को देख लेता है। और ये क्या सेल आ रहा है देखे ना वहाँ पे, वो शायद वो होटल में ना लोग आए हैं कॉस्मोस मॉल में, जो कि इनको बहुत दिन से मन था शॉपिंग 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 बोल रहे थे कितना दिन से, इनको ऐसे हमेशा होते रहता है, बिलीव नहीं करेंगे, मंथ में तो एक दो बार आराम से हो जाएगा, उसके बाद फिर भी इनका हमेशा मन रहता है। तो कुछ कुछ शर्ट टी शर्ट्स वगैरह लिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए आए और हम लोग ऑर्डर किए प्लेटर, और प्लेटर में क्या क्या है वो देखिए। मुझे प्लेटर बहुत ज़्यादा पसंद है, उसमें बहुत सारा वैरायटी होता है। ऐसे मूड तो नहीं था खाने का, पेट भरा हुआ था, बट बाहर आओ कुछ नहीं खाओ तो अच्छा नहीं लगता है। तो इनके लिए मैं ऑर्डर की मसाला कोक, इनको मसाला कोक बहुत ज़्यादा पसंद है, डाइट कोक नहीं था वहाँ पे, ना तो फिर डाइट कोक ही ऑर्डर देते हैं ये। तो आ गया हम लोग का प्लेटर, इस प्लेटर में है नूडल्स, सैलेड, हनी पोटैटो, फिर पनीर चिली मंचूरियन और मसाला कोक। इनका इतना ज़्यादा हेवी हो गया था कैंप में, लंच बहुत ज़्यादा हेवी कर लिए थे, इसलिए इनका मन था मसाला कोक और मुझे मन था कॉफ़ी पीने का। मुझे आज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने का मूड था। उसके बाद प्लेटर के बाद हम लोग मंगाए यहाँ पे पनीर चिली, जो कि प्रोटीन भी मिल जाता हम लोग को, तो इसलिए ये बोले कि एक काम करो पनीर चिली मंगा लो जो अच्छा रहेगा। और पनीर की क्वालिटी भी बहुत अच्छा दिया था इन लोग, कहीं कहीं का पनीर का क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और मेरे से मतलब इतना गर्म था कि मैं उसको हाफ हाफ पीसेस कर रही थी, कभी कभी इतना गर्म रहता है कि मेरा मुंह जल जाता है अगर पूरा मुंह में लूँ तो। तो आ गया मेरा कॉफ़ी, जो कि बहुत अच्छा कॉफ़ी था, और मैं पहले ही बोली थी कि मुझे एकदम लाइट, ठीक है देखिए कैसा है। ये जगह टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छी है। हम लोग हस्बैंड वाइफ यहाँ पे आराम से 1-1.5 घंटा बैठे थे, जो कि बहुत अच्छा फील हो रहा था। आराम से बैठ के हम लोग बात कर रहे थे, खा पी रहे थे। उसके बाद इनका मन नहीं बढ़ा कुछ कुछ लेने के बाद, फिर यहाँ पे जींस वगैरह देखने आए। वो 5:30 और मैं 6 बजे बोल दी थी, तो अभी बजने वाला है 9:30 और आया हुआ हम लोग का हो चुका है 3-3.5 घंटा एक मॉल में घूम रहे तब से हम लोग। उस बीच में थोड़ा सा गैप लिए जिसमें कि थोड़ा बहुत कुछ खाए पिए हम लोग, स्पेशली कॉफ़ी पीने का मन था इस पर्पज़ से गई थी मैं।
अब निकले हैं फाइनली शॉपिंग करके। और हम लोग का शॉपिंग हमेशा ही चलते रहता है, कोई ओकेज़न फिक्स नहीं रहता है शॉपिंग करने के लिए। जब मूड हुआ शॉपिंग करने चल दिए। और शॉपिंग का ज़्यादा मूड मेरे हस्बैंड का होता है, उनको शॉपिंग का मूड होता है हमेशा। तो बस आ गए हम लोग पार्किंग में, अब घर निकल रहे हैं। बहुत लेट हो गया, बच्चों लोग को लेके नहीं आए। मैं सोच चलो आज शॉपिंग करना है, क्योंकि घूमना फिरना तो है नहीं, तो क्या लेके आए। तो बच्चा लोग घर पे है, मस्ती से खेल रहा है अपना। तो बस घर पहुंचती हूँ, फिर बात करती हूँ। और यहाँ पे हो रहा है बेटी का सेवा, जो कि बहुत ज़्यादा अपनी बेटी का सेवा करते हैं ये। शैम्पू लगाना, लोशन लगाना खुद ही करते हैं, खिलाना पिलाना भी कभी कभी खुद से करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, मैं कभी नहीं करती हूँ। गाइस घर आ गई और अभी रात का बज रहा है 11। आते ही सबसे पहले पानी गर्म की, उसके बाद ग्रीन टी बनाई। बाहर से कुछ भी खाने के बाद मतलब गर्म पानी पीने से फिर अच्छा लगता है, तो गर्म पानी मैं पी, फिर इनको भी दी गर्म पानी, ग्रीन टी वगैरह बनाई। और क्या बताऊँ, और तो कुछ नहीं, बस बच्चा लोग का भी डिनर वगैरह सब हो ही चुका है। बस बाबू सोने आया हुआ है और बेटी और मैं पतिदेव जी आके बेटी को वो हेयर्स में वो लोशन एक लगाना है, उसको बहुत डैंड्रफ हो गया, ये बताई थी मैं पहले भी आपको, डॉक्टर से दिखाने ले गई थी। तो मतलब यही लगाते अपनी बेटी को, एक होता है ना कि हाँ मतलब अपनी बेटी को खुद के हाथ से पढ़ाओ, खुद से हाथ से शैम्पू लगा दो, खुद के शैम्पू भी कर देते अपनी बेटी का, मतलब बेटी के लिए सब कुछ है इनको, मतलब सब कुछ करेंगे बेटा बेटी के लिए। और बेटी का मतलब बहुत केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा डैंड्रफ देखते तो मतलब मेरे से ज़्यादा इनको रहता है कि क्यों इसका डैंड्रफ हो गया, क्यों नहीं डेली क्यों नहीं शैम्पू होता है, बहुत ज़्यादा रहता है। तो रात में 10 बजे आके ये लोशन वगैरह है, और अब भी मेरी बेटी शैम्पू करके आ रही है। और इन लोग का है, कुछ भी आएंगे पापा से शेयर करना, हर चीज़ शेयर पापा से ही होता है इन लोग का। क्या लगाओगी बेटा? वो लगाने वाला नहीं है बेटा, बच्चा लोग का नहीं है लगाने वाला, रखो। और शैम्पू करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज स्कूल इन लोग का मॉर्निंग में रहता है, तो मॉर्निंग में शैम्पू करके फिर वो मतलब पोनी वगैरह नहीं कर सकती है, बिकॉज वो भी और ज़्यादा स्मेल आने लगेगा, फिर हेयर्स मतलब ख़राब भी हो जाता है। तो ऐसे रात भर में अच्छे से ड्राई हो जाएगा, ऐसे तो दोपहर में करती है स्कूल से आने के बाद, बट आज ये थे नहीं। और मैं बहुत सारा काम कर रही थी घर में, बहुत ज़्यादा बिजी थे काम करने में आज संडे को, मतलब एक्स्ट्रा काम था मेरे पास आज, बहुत ज़्यादा काम था। और फिर बच्चा लोग को लेकर सुलाई भी, बेटी तो सोई नहीं, बेटा को भी सुलाने लाई थी बट सोया नहीं नींद से वो, तो ऐसे 1 घंटा तक वो ऐसे ही एकदम मतलब एक जगह पे ही था, हिल नहीं रहा था डर से कि मम्मा मुझे डांटेगी। तो अभी भी बदमाशी कर रहा है, अभी भी सुलाने के लिए वो किए तो देखिए कैसे नाटक कर रहा है सोने के लिए, बट सो नहीं रहा है अभी। तो और क्या बताऊँ, और डिनर वगैरह तो कुछ करना नहीं है, हम लोग का डिनर वहीं से हो गया। वो हम लोग क्या मंगाए थे, प्लेटर था, तो उसमें मतलब ऑप्शन था राइस और नूडल्स में, तो इनका नूडल्स खाने का मूड था, तो मैं बोली चलो नूडल्स वाला ही कर देते। उसके बाद पनीर चिली ऑर्डर किए थे हम लोग, पनीर चिली और फिर मसाला कोक था इनको, मतलब मसाला कोक बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे कॉफ़ी पीने का मन था बहुत, तो कॉफ़ी मैं अपने लिए मंगाई थी। और एकदम मतलब पहले ही बोल देती एकदम शुगर कम डालने, मतलब चीनी एकदम कम डालने के लिए, नहीं तो ज़्यादा मीठा हो जाता, मतलब पीने का मन ही नहीं करता एकदम। मतलब कॉफ़ी मुझे इतना मीठा पसंद भी नहीं है, चाय तो चलो चल जाता है, बट कॉफ़ी एकदम लाइट होना चाहिए, एकदम लाइट, ज़्यादा मीठा हो तो पी नहीं पाऊँगी मैं फिर। और कहीं कहीं तो चलो शुगर फ्री रहता है, कोई टेंशन नहीं रहता है। तो और बस क्या बोलूं? बस घर में आके मतलब इतना देर बाहर रहो, जब तो बेड मिलता है तो कितना ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, बहुत ज़्यादा शांति मिलता है। क्या चाहिए बेटा, क्या अरेंज कर रही हो? मतलब टेबल वगैरह अरेंज करी, उसको मैं बोल के गई थी बेटा घर वगैरह गंदा मत करना। क्या होता है कि जब भी बाहर निकलते हैं हम लोग घर वगैरह एकदम मतलब आते तो रूम एकदम इन लोग खेल के बदमाशी करके थोड़ा तो बिखार के एकदम रख देता है, तो मैं पहले ही बोल देती थी एकदम रूम वगैरह क्लीन रहना चाहिए। सो गाइस मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।